तो 2 weeks का एक्सपीरियंस बताओ तुम्हारा, कैसा लगा तुम्हारा हॉस्टल? अच्छा। ओए बाबू उठ, तर माँ के देखेगा ही उठ। जय एम जय स्कूल एंड नर्सिंग ऑफ कॉलेज। क्या है ये साला, कैसे पढ़ रहा हूँ मैं? ये मेट्रो जा रही है। मेरलिन बहना से मिलने और पहुंचने ही वाले हैं उसका हॉस्टल जो है, और क्या बोलें, और चलिए मिलते हैं। चलिए। और मेरे साथ ये आज रौनक भी है, बहुत दिनों बाद से। हाय, तुम तो मास्क लगाई हुए, किसके लिए मास्क खरीद रहे हो? मेरलिन के लिए। इतना सारा मास्क है, और तुमने बोला था कॉपी मेरे बैग में घुसाने के लिए, और नहीं घुसाया। ये सारा सामान मेरलिन का है, इसको देना पड़ेगा अभी। A4 साइज पेपर, कॉपी, एग्जाम बोर्ड, बच्ची पढ़ाई कर रही है। आप लोग मेरलिन से पहले भी मिला हुआ होगा, जो मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग था ना, हालांकि वो बहुत लंबा था ब्लॉग, बहुत लंबी हो गई थी, क्योंकि वो मॉर्निंग आवर से लेके पूरा इवनिंग केक कटिंग तक का था, तो वो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो गया था, और उसमें मेरलिन भी थी। और आज के ब्लॉग में भी रह सकती है शायद ही, अगर उसको वो हॉस्टल से बाहर निकलने देंगे तो आज के ब्लॉग में भी वो दिख जाएगी। तो उनका जो हॉस्टल है वो पहुंच गए हम लोग। हॉस्टल मतलब ये हॉस्पिटल है, सेंट टेरेसास हॉस्पिटल। और ये जे एम जे स्कूल एंड नर्सिंग ऑफ कॉलेज। क्या है ये साला, कैसे पढ़ रहा हूँ मैं? ये लिखा हुआ है जे एम जे स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो यहाँ पे मेरलिन बहना है ना, वो नर्सिंग कर रही है, और 2 week हुआ है जस्ट यहाँ आके एडमिशन होके। ये जो पीछे देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है और नर्सिंग होम भी है। सो इसमें अभी मेरलिन बहना 2 हफ्ते से यहाँ पे रह रही है, तो उसको कुछ सामान जो है हम लोग देने आए हैं, और सामान दे के यहाँ से जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए। ये देखिए मेट्रो जा रही है। ये मेट्रो का रूट है ऊपर ऊपर, और इधर बस कार ये वगैरह चलता है। और ये है मेरलिन का नर्सिंग हॉस्टल का वेलकम जूस, हालांकि हम खरीद के खा रहे हैं, पी रहे हैं। जॉन्डिस दवाई है। ओए बाबू उठ, तर माँ के देखेगा ही उठ। ओए ओए उठ रही, उठ
यहाँ पे स्कूल भी है, सेंट थेरेसा सेकेंडरी स्कूल। और हॉस्टल किधर है आपको? और हॉस्टल भी उधर ही है राइट में। हम अबू है, इसका नाम जॉय। जॉय है, प्यारा सा बच्चा है, सो रहा है। हे, इसका मम्मी के पास आए हैं आज देखने के लिए। एक्चुअली मम्मी अलग है, उनको मम्मी बोलता है। BSC। तो हम लोग अभी अंदर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। तुम लोग जाके आओ। आपको लड़कियों का हॉस्टल के सामने रुक के कैसा लग रहा है तुम्हें? बोलो कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ। ऊपर से लड़की लोग देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा है? डर लग रहा है क्या? नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है लेकिन गर्ल्स नहीं दिख रहा है। हम लोगों के साथ मेरलिन भी बाहर जाने वाली है, तो आएगी और हम लोग जाएंगे बाहर। उसके बाद उसका जो कुछ खरीदना वरीदना हो तो उसका खरीद के फिर उसको छोड़ने आना होगा इधर। तो अभी मेरलिन को लाने के लिए गए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिंपली। ये इधर फोटो खिंचा रहा है, मैं लोग का कुछ सीन्स ले रहा हूँ। और ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, मतलब सामने ही एयरपोर्ट है। मम्मी मेरलिन, अभी मेरलिन हमारे साथ घूमने जा रही है बाहर। उसको 2 weeks हो गया ना यहाँ पे, तो 2 weeks का एक्सपीरियंस बताओ तुम्हारा, कैसा लगा तुम्हारा हॉस्टल? अच्छा लगा। 1 week हम लोग को सिर्फ सोने दिया, सो के खाना खाया। और सेकेंड वीक में क्लास गया, 2 बजे से 4 बजे तक। और सोने का टाइम ही नहीं मिलता, सोने का टाइम नहीं मिलता। और फ्रेंड्स बने कि नहीं? सब लोग फ्रेंड्स हो गया। जिस दिन आए उस दिन सबको फ्रेंड बना लिया। हाँ बढ़िया है। कहाँ का है तुम्हारा फ्रेंड लोग? मेरा फ्रेंड लोग बिहार, रांची, केरला, इतना ही, हैदराबाद का है। और आसाम का कोई नहीं है? तुम अकेले हो आसाम का? आसाम का। अभी कहाँ जाएंगे? बोलो। घूमने जा रहे हैं, मेरे को आर्टिंग के लिए लेके जा रहे हैं। बाबू ये कौन है? या कौन है ये कौन है? ये कौन है? कौन है ये? पा कर दे। बाबू आ गया, कैमरा में देख ले। वो एक्चुअली हम लोगों के साथ घूमने जाने का जिद कर रही थी, पर शायद नहीं लेंगे क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा और देर भी हो जाएगा। तो यहाँ से अभी इसके लिए कुछ खाने के लिए खरीदेंगे और इसको टाटा बाय बाय कहेंगे। बेचारी इतना 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 दुख क्यों दे रहा है? उसको घूमने जाना चाहती है वो। दुख नहीं है, क्या है फिर? यही है इसका लाइफ। अभी हम लोग का टाइम में हम लोग फॉलो किया है, अभी उनको फॉलो करने देना। हाँ, इसका कितना है? 150। ठीक ही है, हमारे देखिए तो बेसी है। ये 150 आसाम में इसका ये चार टुकड़ा होगा तो इसका 50 rupees करके लेते हैं। स्ट्रेंथ मिलता है ये खाने से। ये ड्राई फ्रूट्स का शॉप है, अभी हम फ्रूट्स खरीद रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? डिंगला जैसा दिख रहा है, क्या है वो? क्या था वो? डिंगला जैसा दिख रहा था। मास्कमेलन। ये देखिए यहाँ पे कटहल कैसे बेचते हैं, खाड़ पुणा के बेचते हैं। मेरलिन को मंचूरियन खिलाने के लिए दुकान ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है बेचारी। भैया अम्मी को टाटा कर दो। टाटा कर दे। रहता है
कुलचुलिया बच्चा तो अभी मेरलिन को हम लोग छोड़ दिया, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अपो शिल्परामन तो वो क्या है? पार्क है ना, पार्क है, ट्रेडिशनल कुछ कुछ चीज है, मतलब म्यूजियम जैसा। म्यूजियम नहीं बोलूंगी, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग कुछ भी चाहिए। अच्छा, तो जाके देखते हैं वहाँ पे भी। और मेरा ये जो कैमरा है इसका बैटरी अभी खत्म हो चुका है, तो उसमें जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम मोबाइल से शूट करेंगे। यस, तो मिलते हैं, देखते हैं वहीं पे। बाय बाय।